हिस्ट्री ऑफ ऑटो कैड। आपका स्वागत है दोस्तों कैडोन सेंटर में। हम दोस्तों ऑटो कैड सीखने से पहले मैं आपको ऑटो कैड में बताना चाहता हूँ कि ऑटो कैड हम किस किस फील्ड में यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी चीज लर्न करते हैं आपको पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ऑटो कैड क्या है देखते हैं दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। AutoCAD is a commercial computer aided design. CAD, इसको दोस्तों शॉर्ट में CAD बोलते हैं, मतलब क्या कंप्यूटर एडिड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। डेवलप एंड मार्केट बाई AutoDesk, ये दोस्तों AutoDesk कंपनी का है जो दोस्तों अमेरिका की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और ये सभी सॉफ्टवेयर आपके इंजीनियरिंग लाइन के ही बनाती है। AutoCAD was first released in December 1982. AutoCAD रिलीज हो गया था दिसंबर 1982 में एज ए डेस्कटॉप रनिंग, डेस्कटॉप पे चलना शुरू हो गया था माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर विद इंटरनल ग्राफिक्स कंट्रोलर्स। AutoCAD इज यूज्ड अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज बाय आर्किटेक्ट्स। AutoCAD को दोस्तों बहुत यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर, बहुत ज्यादा यूज करते कौन है, आर्किटेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इंजीनियर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, सिटी प्लानर्स एंड मेनी अदर प्रोफेशनल्स। इट वॉज सपोर्टेड बाय 750 ट्रेनिंग सेंटर वर्ल्ड वाइड इन 1994। 750 ट्रेनिंग सेंटर थे दोस्तों 1994 में। अब टेक्नोलॉजी दोस्तों बढ़ ही रही है, घटेगी नहीं, तो इसके हिसाब से आज पूरे वर्ल्ड में दोस्तों AutoCAD के सेंटर बहुत मिलेंगे आपको। AutoCAD वॉज डिवाइडेड ड्राइव AutoCAD वॉज ड्राइव फ्रॉम ए प्रोग्राम दैट बिगन इन 1997। 1970 में दोस्तों ये शुरू हुआ था लेकिन एंड देन रिलीज इन 1979 कॉल्ड इंटरेक्ट कैड। द नेटिव फाइल फॉर्मेट ऑफ AutoCAD इज .dwg। AutoCAD का एक्सटेंशन नेम होता है दोस्तों .dwg। ओके, अब हम जानेंगे दोस्तों AutoCAD के एडवांटेज क्या होते हैं मैनुअली ड्राफ्टिंग में, तो देखते हैं। इसके इसके द्वारा दोस्तों आप इजी टू ड्रॉ, कोई भी ड्राइंग आप बहुत इजी बना सकते हैं, लेस कम टाइम में बना सकते हैं, एक्यूरेसी होती है, क्विक एक्सेस होता है, इजर मॉडिफिकेशन आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से एंड गुड अपीयरेंस इन आउटपुट, आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। इजी स्टोरेज एंड इजी शेयरिंग, शेयरिंग कर सकते हैं अच्छे से, इसको रख भी सकते हैं एंड शेयरिंग दूसरी मतलब आप किसी को मेल कर सकते हैं बहुत जल्दी से एंड आपका वर्क दोस्तों जल्दी ही होता है। लेस प्रोन ऑफ द एरर, कोई एरर है प्रोन टू एरर, कोई एरर है उसको भी आप देख सकते हैं। फॉर AutoCAD जानते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों जब AutoCAD नहीं था तो किस तरह से ड्राइंग स्केच बनते थे, काफी टाइम लेते थे, बहुत सारे एम्प्लॉय होते थे, लेकिन अब थोड़ा वर्क जल्दी से होने लग गया है और आजकल के टाइम में विदाउट AutoCAD आप कोई भी ड्राइंग बना के किसी को नहीं दे सकते, कोई भी एक स्केच आप किसी को नहीं दे सकते कंपनी के अंदर, ये दोस्तों रूल है, जो भी ड्राइंग बनेगी AutoCAD में ही बनेगी। AutoDesk के कंपाउंडर, AutoDesk के दोस्तों जनक देखते हैं, ये माइक डेल एंड सेकेंड नंबर पे जॉन वॉल्कर एंड ये आपके दोस्तों जॉन वॉल्कर थे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये दोस्तों आप सब जानते हैं एंगल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जो बंदे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको ये दोस्तों पहले से ही मालूम है। तो आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सिंबल्स एंड व्यू पोजिशंस। ओके दोस्तों, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रंट एंड थर्ड एंगल, हमारे यहाँ पे ड्रॉइंग दोस्तों थर्ड एंगल में ही बनेगी इंडिया के अंदर, तो आप हम यूज करेंगे थर्ड एंगल, इसकी नॉलेज दोस्तों सभी रखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज, पैरेलल व्यूज, ऑर्थोग्राफिक व्यूज एंड आइसोमेट्रिक व्यू, डीमेट्रिक एंड ट्रीमेट्रिक, ये दोस्तों सब व्यू में आते हैं एंड एक व्यू दोस्तों और होता है पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर, 1.2.3 एंड 0।
ओके दोस्तों, ये आपको मैं ओके दोस्तों ये आपको मैं समझाऊंगा कि जब हम ड्राइंग बनाएंगे ये सब व्यू कैसे काम करते हैं। ऑर्थोग्राफिक व्यू, आइसोमेट्रिक, ट्रिमेट्रिक, ट्रीमेट्रिक, ये सभी व्यू परस्पेक्टिव व्यू क्यों यूज करते हैं आपको दोस्तों, मैं जब ऑटो कैड की वीडियो जब डालूंगा आगे आपको मैं समझा दूंगा। ऑर्थोग्राफिक व्यू इज द टू डायमेंशन व्यू ऑफ द थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट, टू डायमेंशन व्यू ऑफ थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स। ओके, इट विजुअल रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट इनटू टू डायमेंशन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग आपकी टू डायमेंशन में है बट रिप्रेजेंट करता है थ्री डायमेंशन मीन्स आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर जो कि आपकी 120 डिग्री पे काम करता है। मैट्रिक में दोस्तों, डी मैट्रिक में दोस्तों 135 डिग्री पे काम करता है एंड वाई एक्सिस 90 डिग्री पर। एंड ट्रीमेट्रिक व्यू 130 डिग्री एंड 110 ट्रीमेट्रिक व्यू। वन पॉइंट परस्पेक्टिव व्यू देखो दोस्तों, वन पॉइंट परस्पेक्टिव व्यू आपको इस तरह से शो करेगा एंड टू पॉइंट परस्पेक्टिव व्यू टू वेंसिंग पॉइंट मतलब कि आपको टू साइड्स नजर आएंगे परस्पेक्टिव व्यू के अंदर एंड वेंसिंग वेनिशिंग बाउंड्रीज जीरो पॉइंट्स ऑफ परस्पेक्टिव व्यू। कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं आपको दोस्तों जब कोऑर्डिनेट हम ऑटो कैड की शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग में आपको मैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताऊंगा। फिलहाल तो हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंटेक्स एक्स वाई, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, इसके दो भाग होते हैं ये आप सब दोस्तों नीचे देख ही रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। यूजर इंटरफेयर ऑफ ऑटो कैड, यूजर इंटरफेस ऑफ ऑटो कैड। ओके, यहाँ पे दोस्तों देखो कुछ नाम दिए गए हैं, ये ऑटो कैड का पूरा यूजर इंटरफेस है। एप्लीकेशन मेन्यू, रिबन बार, ये रिबन बार होता है आपका एंड ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, ये ड्रॉइंग नेम होता है, यहाँ पे आप जो भी टाइप करते हैं ड्रॉइंग नेम आपका यहाँ पे आता है मीन्स इसको कहते हैं टाइटल बार। एक यहाँ पे ऑप्शन होता है टू सर्च रिलेटेड टू ऑटो कैड, आप ऑटो कैड से रिलेटेड कोई भी हेल्प सर्च कर सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन के थ्रू। ये ड्रॉ कंट्रोल विंडो होती है एंड व्यू क्यूब, ये आपका क्यूब होता है एंड नेगेशन व्यू यहाँ पर मिलेगा आपको एंड स्टोरेज सॉरी स्टेटस बार एंड टोंगल ये आपको यहाँ मिलते हैं एंड वर्क स्पेस स्विचिंग इस पॉइंट्स पे। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन्स ये होता है दोस्तों यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन, इसके बारे में बताऊंगा आपको। मॉडल लेआउट टैब क्या होती है इसके बारे में भी जानेंगे एंड कमांड लाइन्स दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ऑटो कैड, ऑटो कैड में कमांड लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जो भी वर्क करते हैं कमांड लाइन में शो होता है एंड स्टेटस बार। ओके दोस्तों, ये सभी चीजें हम तब जानेंगे जब हम ऑटो कैड के बारे में जानेंगे। एंड ये दोस्तों हमारा कैडोन सेंटर है एंड हम दोस्तों इसमें सॉलिड वर्क्स, ऑटो कैड, मैकेनिकल, सिविल, कैट ए वी फाइव और भी सॉफ्टवेयर मैं आपको दोस्तों इसमें दूंगा धीरे धीरे, जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं इसमें वीडियो अपलोड करता रहूंगा एंड फ्री ट्यूटोरियल्स। एंड दोस्तों इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल सके ऑटो कैड की एंड सॉलिड वर्क्स मीन्स क्या मैकेनिकल एंड सिविल के सभी सॉफ्टवेयर जो मुझे आते हैं मैं सभी अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे। और इस चैनल में दोस्तों केवल ड्रॉइंग स्केच ही बनेंगे एंड 2D एंड 3D। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस माई चैनल।